कुशल सिनेमा चौक जहांगीरपुरी दिल्ली में दंगारोधी मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन। पूरे देश भर में नवरात्रों का त्यौहार आने वाला है, इसी को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और दंगारोधी तैयारियों और प्रतिक्रिया समय को जांचने और मजबूत करने के लिए उत्तर पश्चिम जिले में कुशल सिनेमा चौक जहांगीरपुरी में 1:45 बजे से 3 बजे तक एक दंगारोधी मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। 1:41 बजे उत्तर पश्चिम नियंत्रण कक्ष में कुशल चौक जहांगीरपुरी में झगड़ा पथराव और भारी भीड़ के संबंध में एक परीक्षण PCR कॉल प्राप्त हुई। तदनुसार ACP जहांगीरपुरी और SHO जहांगीरपुरी को सूचित किया गया, जो तुरंत 5 मिनट के भीतर थाने के अधिकतम कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और शुरू में लगभग 700 की भीड़ की सूचना दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर अतिरिक्त बल की मांग की। तत्काल सभी SDPO SHO को कंट्रोल रूम के माध्यम से निर्देशित किया गया कि वे गैस गन पार्टियों सहित पर्याप्त स्टाफ और दंगारोधी उपकरणों के साथ तुरंत रिपोर्ट करें। आसपास के 5 पुलिस स्टेशनों के ERV MPV और मोटरसाइकिल भी बुलाए गए। RI उत्तर पश्चिम को गैस गन पार्टियों और वज्र वाहन सहित पर्याप्त रिजर्व स्टाफ के साथ पहुंचने का निर्देश दिया गया। ACSP यूनिट यानी कि DIU MACT CAW सतर्कता और कानूनी प्रकोष्ठ को पर्याप्त स्टाफ के साथ वहां पहुंचने का निर्देश दिया गया। 15 से 20 मिनट के भीतर अधिकतम बल मौके पर तेजी से जुटाया गया। स्थिति का जायजा लेने और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए ऑपरेशन यूनिट के अधिकारियों को सादे कपड़ों में बुलाया गया, जबकि जिले से पर्याप्त बल को मौके पर निर्देशित किया गया था। सभी पुलिस स्टेशनों के निरीक्षक कानून और व्यवस्था को सांप्रदायिक संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकतम कर्मचारियों के साथ गश्त करने के लिए तैनात किया गया था। DCP उषा रंगरानी और अपर सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी DCSP कुशल चौक जहांगीरपुरी भी पहुंचे। कंट्रोल रूम के निर्देश पर दूसरी बटालियन की एक कंपनी और CRPF के एक सेक्शन को भी मौके पर भेजा गया। भीड़ के आंदोलन और आक्रामकता को ध्यान में रखते हुए शुरू में वे सुदृढ़ीकरण तक पहुंचे, बातचीत के माध्यम से लगे रहे। भारी भीड़ का अनुकरण किया गया और भीड़ को आंसू गैस के इस्तेमाल की चेतावनी दी गई। फिर कम से कम बल और आंसू गैस का प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया गया। इस संबंध में DDRL भी आयोजित किया गया। इस अनुकरण के दौरान 2 घायल व्यक्तियों को BJRM अस्पताल ले जाया गया। दंगे में 4 वाहनों को क्षतिग्रस्त दिखाया गया और 30 गुंडों दंगाइयों को पकड़ा गया। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया गया था। DCP उत्तर पश्चिम ने मॉक ड्रिल का समापन किया और कर्मचारियों को जानकारी दी। मॉक ड्रिल के सभी अभ्यास प्रसारण को रिकॉर्ड करने के लिए उत्तर पश्चिम नियंत्रण कक्ष द्वारा सभी संदेशों को ठीक से लॉक किया गया। इस अभ्यास के पूरा होने के बाद अधिकतम लामबंदी के साथ क्षेत्र के वर्चस्व के लिए क्षेत्र में समूह गश्त शुरू की गई। स्थानीय लोगों को भी इस तरह की घटनाओं में शामिल होने से बचने के लिए जागरूक किया गया। एक बार हम एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन यहाँ पे देख चुके हैं, तो समय समय पर हमको अपनी प्रिपेयरनेस को चेक करना होता है, इसीलिए हम ऐसी एंटी राइड ड्रिल्स करते रहते हैं। तो आज हमने अपना सारा डिस्ट्रिक्ट का मोबिलाइजेशन चेक किया कि कितनी जल्दी हम रिस्पांस कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी एंटी राइड ड्रिल कर सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम हमारी प्रिपेयरनेस को चेक करने के लिए एक्सरसाइज है। यहाँ पे सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल में है, आप देख ही रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, पर ये हमारी एक प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज थी। आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके जहांगीरपुरी के अलावा और कौन सा ऐसा सेंसिटिव इलाका है जहां पर इस तरह की ड्रिल और होगी आपकी? देखिए, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हाईली पॉपुलेटेड एरिया है और काफी जेजे क्लस्टर्स हैं और मिक्स पॉपुलेशन होती है यहां पे। तो क्योंकि डेमोग्राफी ऐसी है कि काफी ऐसा प्रोफाइल है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं, सभी मिलकर रहते हैं, पर कुछ एरियाज हम लोग सेंसिटिव मानते हैं। मोस्टली सभी जेजे क्लस्टर्स के एरिया, जैसे WPIA एरिया हो गया हमारा, उधम सिंह पार्क है हमारा, संगम पार्क है भारत नगर के एरिया में, इसके अलावा हैदरपुर है हमारा, जहांगीरपुरी है, लाल बाग है आज़ादपुर में, तो इन सभी एरियाज में अपनी प्रिपेयरनेस को चेक करने के लिए हम समय समय पर मॉक ड्रिल कराते हैं।